भगवान श्री हनुमान जी के नाम पर सियासत जारी। कांग्रेस ने मंदिरों में शुरू किया हनुमान चालीसा का पाठ। बजरंग दल पर अप्रत्यक्ष रूप से बोला जमकर हमला। जम्मू कश्मीर में आएंगी सुरक्षा बलों की 95 कंपनियां। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए होगी तैनात। पंचायत चुनाव में भी किया जाना है इस्तेमाल। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको पुंछ लिए चलते हैं, जहां पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने आज जम्मू कश्मीर में छापेमारी की है। अनंतनाग, कुलगाम, पुंछ और कुछ अन्य जिलों में ये छापे मारे गए हैं। एनआईए ने पुंछ में छापा मारकर बिजनौर उत्तर प्रदेश के एक नागरिक को हिरासत में ले लिया है और उसकी पहचान मोहसिन के रूप में की गई है, जो वहां साल 2016 से एक सलून में काम कर रहा है। और जांच के दौरान उससे 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं और पूछताछ के बाद आप देखिए किस तरह से खुलासे होंगे, ये बड़ी बात है। उससे पुंछ के पुलिस स्टेशन में पूछताछ लगातार जारी रखी गई है। आपको यह भी बताते चले कि जम्मू और कश्मीर में एनआईए की टीमें पिछले कुछ समय से ही टेरर फंडिंग मामलों की जांच कर रही हैं और कई जगहों पर छापेमारी का सिलसिला बदस्तूर जारी रखा गया है। हालांकि एनआईए ने आधिकारिक तौर पर छापेमारी पर कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन फिलहाल तस्वीर आप देख रहे हैं जिला पुंछ से, जहां पर बिजनौर उत्तर प्रदेश का एक नागरिक जो है वो सलून के अंदर काम करता था, उसे गिरफ्तार किया गया है। कुछ यहां पर मोबाइल फोन उससे बरामद किए गए हैं। किस तरह से ये पूरी छानबीन चल रही है, पुलिस किस तरह से बातचीत कर रही है, क्या कुछ खुलासे किए गए हैं, इसी पर जानकारी लेंगे। सनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनी, क्या कुछ पूछताछ हुई है और पुलिस की क्या कुछ कार्रवाई वहां पर चल रही है? जी बिल्कुल आशा, आपको बता दूं कि सुबह 5:30 बजे के लगभग एनआईए की टीम जो है वो पहुंच पहुंची और पहुंच पहुंचते ही उसने एक सैलून है बिल्कुल स्टार होटल के पास में, वहां पर जो एक यूपी का एक व्यक्ति है जो काम करता है उसके घर पे रेड की। और जब रेड की तो वहां पर वो नहीं था और उसके जो साथ में काम करने वाले थे उनसे बातचीत की गई। उसके बाद सैलून की जो चाबी है वो उनसे ली गई और जब वो उस सैलून के पास पहुंचे तो वो भी शख्स वहां पे था। उसके बाद सैलून को खोला गया और सैलून खोलने के बाद पहले तो वहां पर पूछताछ की गई। उसके बाद उसे पुलिस स्टेशन में लाया गया, जहां अभी भी उससे पूछताछ जो है वो चल रही है। अगर इस शख्स की बात करें तो 2016 से ये पुंछ के अंदर इसी दुकान पर जो है वो काम कर रहा था और जिस तरह से मैंने उस वहां पर काम करने वाले जो और लड़के थे उनसे भी बात की है, उनका कहना है कि बीत एक साल हमारे साथ जो है वो काम कर रहा था और पिछले कई सालों से हम भी इसके साथ जो है काम कर रहे थे। और आज ये बताइए कि पिछले दिनों जितने भी अटैक यहाँ पर हुए हैं उसी के शक के बिना पर इसे गिरफ्तार किया गया है? अभी ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी इससे पूछताछ जो है वो चल रही है। एनआईए की टीम जो है पुलिस स्टेशन के अंदर जो है वो इससे कर रही है, पर तार कहीं ना कहीं उसी मामले में जो जुड़ते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से पिछले कई दिनों से लगातार एनआईए हो या ऐसा ये पुंछ में इन जो टेरर फंडिंग मामले हो या टेरर से जुड़े हुए मामले हो उनको लेकर जो है वो पूछताछ कर रही है या लोगों को हिरासत में ले रही है, ये भी उसी से लगता हुआ मामला नजर आ रहा है। सनी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि टेरर फंडिंग मामले में लगातार एनआईए जांच कर रही है और छापेमारी का सिलसिला बदस्तूर जारी रखा गया है, लेकिन पुंछ से भी एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। अब देखना यह होगा कि इस युवक की तरफ से क्या कुछ खुलासे किए जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अब कर्नाटक से शुरू हुई भगवान श्री हनुमान जी के नाम पर सियासत अब जम्मू कश्मीर में पहुंच गई है। बजरंग दल जहां देश के कई राज्यों में श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस ने भी अब मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया है। तो कठुआ के साथ साथ अन्य जिलों में कांग्रेस पार्टी के नेता व कार्यकर्ताओं ने यह प्रक्रिया शुरू कर दी है और कठुआ में आज कांग्रेस ने मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ कर बजरंग दल पर जमकर हमला बोला है। और कई दिनों से बजरंग दल पर भी आप देखिए किस तरह से कटाक्ष करती हुई कांग्रेस पार्टी नजर आ रही थी। पूरे देश के अंदर कहीं ना कहीं हनुमान चालीसा को लेकर अब घमासान मचता हुआ नजर आया। एक तरफ यहां पर कांग्रेस की तरफ से बड़ा बयान जारी किया गया जिसमें बताया गया कि वो बजरंग दल को यहां बैन करेगी, लेकिन उसके बाद ही बजरंग दल का जो रिएक्शन देखने को मिला था उस पर कहीं ना कहीं माहौल जो है वो गमगीन होता नजर आया। लेकिन फिलहाल अब वो सियासत जम्मू कश्मीर तक पहुंच गई है और कांग्रेस पार्टी ने यहां पर भी अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया है। रंजीव मेहता हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। रंजीव, किस तरह से वहां पर कांग्रेस पार्टी जो है वो प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू किए हुए है?
आशा, मैं बताऊं कि ये जो मामला चल रहा है बजरंग दल का, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी कठुआ में भी सक्रिय हो गई है। और दो दिन पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ के कार्यकर्ताओं ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान सभी पार्टियों को, जितने भी हिंदू संगठन है, उनको न्योता दिया था कि मंगलवार सुबह वो शहीदी चौक के हनुमान मंदिर में आए और वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। उसी पाठ को लेकर आज जैसे ही कांग्रेसी कार्यकर्ता वहां पहुंचे और दूसरे जो कोई भी संगठन जहां पर नहीं पहुंचने के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ किया और उसके बाद उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिस तरह देश में एक पार्टी हनुमान का नाम लेकर अपना संगठन चला रही है, उसके ऊपर बैन लगना चाहिए था। और क्योंकि देश जो है ये सभी लोगों का है, और कर्नाटक और दिल्ली में पहलवान जो है वो इतने दिन से अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं कि जो देश की बेटियां हैं उनका समर्थन पार्टी इनके बजरंग दल वाले नहीं कर रहे हैं, जिसको लेकर भी उन्होंने काफी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा रणजीत सर, ये बताइए, जिस तरह से कर्नाटक के अंदर अपना मैनिफेस्टो सामने रखा गया, घोषणा पत्र अपना सामने रखा गया कांग्रेस की तरफ से, जिसमें बताया गया कि वो बजरंग दल को बैन करेगी, लेकिन एक एक करके जो रिएक्शन बजरंग दल की तरफ से आया कि वो जहां जहां पर भी कांग्रेस के कार्यालय हैं उन पर धावा बोल देगी, क्या लगता है कि उसी की वजह से अब जम्मू कश्मीर में भी सियासत गर्म हो गई है और कितना जायज है भगवान के नाम पर सियासत करना? हाँ आशा, ये जो वहां पर हमले की बात है, जिसकी चिंगारी वो है जम्मू कश्मीर में भी फूटना शुरू हो चुकी है, इसको लेकर ही ये कठुआ में जो जो सियासी घमासान है जो शुरू हो चुका है। और इसको लेकर बात करें, धर्म की राजनीति को लेकर बात करें, तो आम लोगों में चर्चा है कि धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए और जो जनमानस के मुद्दे हैं राजनीतिक तौर पर उनको उठाना चाहिए। तो उसी को लेकर आज जो हनुमान चालीसा का भी जो है पाठ किया गया और उनका साफ तौर पर कहना था कि देश में और बड़े सारे मुद्दे हैं, जैसे वो बेटियों का इंसाफ दिलाने की बात है, जहाँ अन्य बेरोजगारी के मुद्दे हैं, क्योंकि गरीबी की तीव्र लोग हैं उनको काफी सहायता की जरूरत है, और अन्य कई मुद्दे हैं देश के अंदर, क्योंकि देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा का मामला भी जो है वो भी एक बड़ा मुद्दा है। और इस सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जो कार्यक्रम किया और बीजेपी पर बड़ा प्रहार करते हुए हमला बोला। धन्यवाद रणजीत जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि किस तरह से आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला बदस्तूर शुरू हो चुका है, सियासत चरम पर देखी जा रही है, और कर्नाटक में जो सियासत शुरू हुई है वो अब जम्मू कश्मीर में पहुंच चुकी है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में स्थिति क्या कुछ बनेगी। आगे बढ़ जाते हैं, अब आपको अमरनाथ के हवाले से भी यहां पर खबर दिखा देते हैं, जहां पर आप देखिए अमरनाथ यात्रा को लेकर इस बार विशेष सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। आतंकवाद और उसके इकोसिस्टम पर प्रहार से बौखलाए पाकिस्तान की ओर से नापाक साजिश की आशंका के मद्देनजर अभी से ही सुरक्षा तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद इस महीने के आखिर तक जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की 95 और कंपनियां यहां पर पहुंचेंगी और इन जवानों की तैनाती अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए की जाएगी, और यात्रा की समाप्ति के बाद भी इन जवानों को रोकने की योजना है और इनका उपयोग इस साल के अंत में प्रस्तावित निकाय और पंचायत चुनाव की सुरक्षा व्यवस्था में किया जाएगा। दूसरी ओर अमरनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण पर्ची के साथ की आधार कार्ड भी अनिवार्य कर दिया गया है। तो फिलहाल आपको ये बताते चलें कि अमरनाथ यात्रा को मद्देनजर रखते हुए 95 कंपनियां और जम्मू कश्मीर के अंदर पहुंचेंगी और उनकी तैनाती यहां पर की जाएगी। लेकिन फिलहाल आपको ये भी बताते चलें कि पंचायती और स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर जिस तरह से माहौल बनता नजर आ रहा था, इन पूरी कंपनियों को यहां पर रोका जाएगा, किस तरह से वो हालात रहेंगे, शिल्पा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी है। शिल्पा, किस तरह से पूरा काम जो है वो किया जा रहा है, 95 कंपनियां यहां पर पहुंचेंगी? जी, आपको बता दें कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में लगभग 95 सुरक्षा बलों की कंपनी जो है वो अमरनाथ यात्रा के दौरान जो है वो तैनात की जाएंगी। आपको बता दें कि लगभग जिस तरीके से 95 कंपनी है सुरक्षा बलों की, और लखनऊ माफ कीजिएगा लखनपुर से लेकर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे तक, यानी कि पूरी यात्रा तक इन जवानों को तैनात किया जाएगा, जहां पर प्रॉपर तरीके से वाहनों की चेकिंग की जाएगी। अगर हम बात करें लंगर स्थानों की, तो जगह जगह पर लंगर स्थानों पर ड्रोन के जरिए से नजर रखी जाएगी, और जिस तरीके से सूत्रों का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं ये आशंका जो है वो जताई जा रही है कि मैग्नेटिक बम जो है वो हो सकता है, जिसको लेकर प्रॉपर तरीके से चेकिंग की जाएगी। यात्रियों को जागरूक किया जाएगा, यात्रियों से कहा जाएगा कि कोई भी वाहन जो है वो अपना छोड़ के ना जाए, कोई भी अगर संदिग्ध वस्तु जो है वो उन्हें मिलती है तो पुलिस से इत्तला जरूर करे। अगर सुरक्षा को लेकर बात करें तो अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा
का इंतजाम किया जा रहा है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यहाँ पर कड़ी जो है वो की जा रही है, सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से यहाँ पर किया जा रहा है और यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत परेशानी। 95 कंपनियों की तैनाती की जाएगी, कुछ जानकारी आपके पास कि कौन कौन सी कंपनियां उसके अंदर रहेंगी? आईबी रहेगी, सीआरपीएफ रहेगी और कौन कौन सी कंपनियां वहां पर रहेंगी? जी आपको बता दें कि अभी ये खबर जो है वो सामने नहीं आ रही है, लेकिन इतना बताया जा रहा है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद यानी कि आखिरी मंथ तक 95 सुरक्षा बलों कंपनी को जम्मू कश्मीर में लाया जाएगा और अमरनाथ यात्रा के दौरान जो है इन्हें तैनात किया जाएगा। चलिए शिल्पा, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा शिल्पा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो बता रही है कि 95 कंपनियां जम्मू कश्मीर के अंदर तैनात की जाएंगी और जहां पर भी खाने पीने और रुकने की व्यवस्था अगर की गई है तो वहां पर इन जवानों की तैनाती की जाएगी। आगे बढ़ जाते हैं, अब आपको चिनाब रीजन लिए चलते हैं। चिनाब रीजन के अधीन आने वाले जिलों में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी जिला डोडा की ठाठरी में यहां माछीपल इलाके में एक टाटा सुमो हादसे की शिकार हो गई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए हैं और हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को इलाज के लिए पीएचसी ठाठरी पहुंचाया है और बताया जा रहा है कि ये गाड़ी यहां पाशाला से ही ठाठरी की ओर जा रही थी और इस दौरान माछीपल इलाके में चालक ने नियंत्रण खो दिया है, जिसकी वजह से ये गहरे नाले में गिर गई है। तो साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से हालात वहां पर पेश आए हैं, सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो फिलहाल तस्वीरें आपके सामने हैं जिसमें गाड़ी के परखच्चे तक उठ चुके हैं, लेकिन कितने लोग इसके अंदर सवार थे और किस तरह से ये पूरा हादसा पेश आया है, वसीम गत्तू हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, क्या कुछ अपडेट है और जो लोग घायल हुए हैं फिलहाल कितने लोग इस पर सवार थे और किस तरह से ये हादसा पेश आया है वो बताएं। बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, गुंदो से सुबह सुबह हमें खबर मिली, गुंदो से ठाठरी की तरफ गाड़ी आ रही थी मगर आधे रास्ते गाड़ी हादसे का शिकार हुई और सोमो गाड़ी है, बताया जाता कि सोमो गाड़ी थी। आपको इसका नंबर भी देना चाहूंगा मैं, जेके 17-6749 सोमो गाड़ी थी। ये मच्छी पाले की एरिया आता है, एरिया में ये गाड़ी के खाई में चले जाती है, तो उन लोगों को जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज घुटा लाया गया है और 4 लोग इसमें सवार थे, एक बताया जाता क्रिटिकल है, यहाँ पे उनका इलाज चल रहा है। लगातार आप देख रहे हैं पिछले कुछ जनाब कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग जो है बीमारी से नहीं, जितने लोग देख रहे हैं कि एक्सीडेंट के जो मामले लगातार सामने आ रहे हैं। देख रहे हैं कि अभी डोडा विशेष पाल बादल जी भी यहाँ पे पहुंचे हैं, उनका इलाज कैसे यहाँ पे हो रहा है और लगातार पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि इस तरह के मामले जो है चुनाव के अंदर पेश आ रहे हैं। जी लेकिन वसीम, कई बार आपकी तरफ से भी ये खबर प्रसारित की गई थी कि हादसों पर रोक लगाने के लिए बैरिकेटिंग्स लगाई जाएंगी, ऐसे स्ट्रेचेस को यहाँ पर सामने रखा जाएगा जो बहुत खतरनाक हैं, जिस पर काम होगा, वहाँ क्या लगता है कि काम नहीं हो पाया जिसकी वजह से हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं? देखिए, ये जो एरिया है ये लगभग डोडा से 60-65 किलोमीटर की दूरी पे एरिया पड़ता है। आपको बताना चाहूंगा ये जो एरिया है हिली एरिया माना जाता है, मगर बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि वहां पे क्रैश बैरिकेड्स लगाए गए हैं, रास्ते की सही कंडीशन नहीं है, ये भी एक कारण बन सकता है। और पहले भी आपने देखा होगा किस तरह से यहाँ के लोगों ने ये भी बताया था कि एक टीम बनाई जाए एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो असेसमेंट करे कि क्या दिक्कत है, किस कारण यहाँ पे लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं, क्या कारण बनता है। और हम देख रहे हैं कि मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट भी काम कर रहा है, ट्रैफिक विभाग भी काफी अच्छे से काम कर रहा है, लोगों को अवेयरनेस की जरूरत, उनको अवेयर करना है कि क्या कारण है, किस तरह से। आप इस गाड़ी के अंदर आज कितने लोग सवार थे? देखिए, गाड़ी में 4 लोग बताया जाता है कि 4 लोग सवार थे और 4 में से एक शख्स जो है वो क्रिटिकल बताया जाता है। अब देखना होगा कि क्या उसको जम्मू मेडिकल कॉलेज भेजा जाता है या यहीं पे उसका इलाज होता है। जी ठीक है वसीम, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल 4 लोग इस गाड़ी के अंदर सवार थे, जिसमें आप देखिए एक की गंभीर हालत बताई गई है और साथ ही साथ प्रशासन पूरी तरह से काम जो है वो करता नजर आया है, लेकिन सवाल फिर भी उठ रहा है कि आखिर ज्यादातर सड़क हादसे क्यों जिला डोडा के अंदर पेश आ रहे हैं, जिस पर संज्ञान लेने की जरूरत है। तो सांबा सेक्टर में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए गांव पलूरा में उस समय हड़कंप मच गया जब ग्रामीणों ने खेत में एक पाकिस्तानी गुब्बारे को देख लिया है। तो चांद तारे के आकार के नीले लाल और सफेद रंग के इस गुब्बारे की सूचना ग्रामीणों ने बॉर्डर पुलिस पोस्ट राजपुरा को दी है और सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है और इस गुब्बारे को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भले ही पिछले दिनों यहां कोरोना महामारी के खात्मे का ऐलान किया गया था, लेकिन अभी भी इसका इक्का दुक्का जो प्रकोप है वो देखने को मिल रहा है। इक्का दुक्का मामले सामने आ रहे हैं और जम्मू के जीएमसी अस्पताल में मौजूदा समय में कोविड के 4 मरीज भर्ती हैं और अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर
नरेंद्र सिंह के अनुसार यह विश्व स्वास्थ्य संगठन के ऐलान के बावजूद लोगों के लिए एहतियात बरतना बेहद जरूरी है। हालांकि पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि कोविड का खौफ अब वजूद में नहीं है, लेकिन लोग अगर अभी भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते हैं तो इसमें कोई बुराई बिल्कुल नहीं है। हमारे देश के हिसाब से यानी हम जम्मू के हिसाब से बता दें कि इक्का दुक्का पॉजिटिव या नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस अभी बिल्कुल जीरो नहीं हुए हैं। अभी भी अगर आपको मैं जम्मू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की आइसोलेशन वार्ड का स्टेटस बताऊं तो हमारे पास आइसोलेशन में इस वक्त 4 पेशेंट एडमिटेड हैं। बट ये है कि अब वो जो एक पैनिक स्टेज था, एक जो डर था उन बीमारी का, मैं पहले भी कहते रहा हूँ, अब हम वेल प्रिपेयर्ड हैं 2 साल की लड़ाई के बाद। अब तो WHO ने इसके ऊपर से पर्दा भी हटा दिया कि दिस इज ए डिजीज विच विल कम एंड गो, सीजनल होगी या किस तरीके से होगी वो तो अभी देखना पड़ेगा। बट ये कि आप ठीक कह रहे हैं कि अगर हम लोग रश्ड एरिया में कम जाएं और मास्क पहन के रखें और इन हाथों की सफाई के ऊपर ध्यान दें तो जनरली भी ये चीजें जो हैं हमें हेल्दी रखने में काम आती हैं। खरीफ की फसल का सीजन शुरू हो गया है और जम्मू कश्मीर के कृषि विभाग ने इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली हैं। विभाग की ओर से खरीफ का बीज ब्लॉक स्तर पर मुहैया कराने की व्यवस्था की गई है और इसकी जानकारी कृषि विभाग के ही ज्वाइंट डायरेक्टर यहां AS रीन ने दी है। उन्होंने बताया कि पहाड़ी इलाकों में मक्की और धान की फसल की खेती शुरू हो गई है और विभाग द्वारा हर ब्लॉक में बीज मुहैया कराए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि अगले कुछ दिनों में जम्मू के सभी ब्लॉक्स में यहां किसानों को बासमती का बीज भी मुहैया करवाया जाएगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਫ ਸੀਜ਼ਨ ਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੱਕੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਲੇਨ ਇਲਾਕਾ ਉਹਦੇ ਦਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਮੋਟਾ ਦਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚੈਨਾ, ਉਹ ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੱਕੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 11,000 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੱਕੀ ਅਸੀਂ ਵੰਡੀ ਚੁੱਕੇ ਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜੰਮੂ ਦੇ 10 ਦੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ। ਇਹਦੇ ਕੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਉੱਪਰਲੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੋਟਾ ਧਾਨ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੀਡ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਉਹਦੇ ਦਾ। ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਇਹਦੇ ਕੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਡਰ ਹੈ, ਫਾਡਰ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਖਰੀਫ ਦਾ, ਜਾਂ ਬਾਜਰਾ ਚਰੀ ਉਹਦਾ ਸੀਡ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ ਦਾ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਰੀਜਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਟ, ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਅਤੇ ਕੰਨੇ ਸਬ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ। ਉੱਪਰਲਾ ਇਲਾਕਾ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕਰੀ ਉੜੀਦਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਦਾਨ ਦੀ ਹੁਣ ਫਸਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਨੀਰੀ ਲੱਗਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਸੀਡ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਸ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਗਲੇ 8-10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹਰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਦਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਸੀਡ ਹੈ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। हाल ही में हुई बारिश, ओलावृष्टि और तूफान ने जम्मू के मर ब्लॉक की आम लोग और साथ ही साथ आप देखिए किसानों को किस तरह से परेशानी में डाल दिया है। लीची की पैदावार को भारी नुकसान पहुंचा है। ओलावृष्टि और तेज तूफान के कारण आम और लीची के पेड़ों से फल जमीन पर गिर गए हैं और यही नहीं, कई जगहों पर तूफान के कारण बाग में भी पेड़ टूट गए हैं। तो आम व लीची की पैदावार को नुकसान पहुंचने से फल उत्पादकों के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही हैं और किसानों के मुताबिक उनकी 80% पैदावार खराब मौसम की भेंट चढ़ चुकी है। जो 20% यहां पैदावार बच गई है उसमें भी दाग पड़ गए हैं और अपनी पैदावार गंवा चुकी इन परेशान किसानों ने अब सरकार से मदद की गुहार लगाई है। बात ऐसी है कि किसान जब मेहनत करता है ना, वो अपनी उम्मीदें रखता है भाई हम इससे इतना पैसा मिलेगा, हमको इतना पैसा मिलेगा, और मिला कुछ नहीं, क्योंकि जो भी ओला दृष्टि हुई है उसके कारण हमारा समझो कि 80% नुकसान हो गया और 20% बचा हुआ है। जो 20% बची है इस पर भी दाग पड़ गया है, इसके लीची के ऊपर जेब नहीं बचेगी, इसके ऊपर दाग पड़ा है जेब नहीं बचेगी। और किसान करे तो करे क्या, कहाँ गुहार लगाए, भगवान भी इसको कुछ नहीं करता इसके लिए, सब ये मुनसर होता है मौसम के ऊपर। अभी मौसम में देखो, अभी भी मौसम सारा ख़राब है, अभी भी ये ठीक नहीं हुआ है, और जो 20% बची हुई है सर वो भी चली जाएगी, ख़राब हो गई हैं, जो बाग है बाग ख़राब हो गया, कुछ तो ये फल टूटा है, कुछ तो टहनियाँ टूट गई हैं पूरी पूरी इसकी ओलावृष्टि के कारण और जो तूफान आया,
और पेड़ सारे टूट गए हैं, आधे पेड़ टूट गए, अब दोबारा लगाने पड़ेंगे हमको, और क्या करना, किसान और कर भी क्या सकता है, ये भगवान के आगे गुहार लगा सकता है और क्या कर सकता है। काफ़ी दुखी हैं? बहुत दुखी हैं सर, बहुत दुखी हैं, क्योंकि आदमी को ये उम्मीद होती है भाई, ये उम्मीद होती है भाई पैसा हमको आएगा जहाँ से, जब पैसा नहीं आएगा तो वो क्या करेगा बेचारा, उदास ही होगा और क्या क्या कर सकता है। मुल्ले बाग ले रहा है, ठीक है, अजे तो खत्म हो गए पूरे, ठीक है, जो आंधी तूफान एन पी ये खत्म हुई अस जिन्ना पाला सब चढ़ी थले आई, ठीक है, जोड़ा बचे दा वह भी दागी हुई सारा एन कन पूरा खत्म हो गया, आते जीरो हो गए। हाँ सारे बागे नुकसान खत्म हो गए महाराज, साढ़े बारे कोई गौरमेंट को दिखना चाहिए। इो कि जिन्ना फल है ना, अंब क्या, लीची क्या, जिन्हें बाग है, लिंबू, ठीक है, किन्नू, सारे खत्म हो जाए उन्होंने बारे, गौरमेंट देखो हूँ जो दिन ठीक है, हूँ की करना मरे जाते, साल छे महीने की मेहनत साल एक बार आती है, ठीक है, अब खत्म हो गए, साढ़े कुछ रहा ही नहीं समझ लिया। पहले कितनी खुशी ही, कितनी उम्मीद ही पहले? पहले बड़ी खुशी, बाग फलिया चंगा, बूर चंगा निकलिया, फल भी लगा चंगा, तो सानू ये साल बार होंगे भी चलो साल बार मेहनत करके तो चार पैसे बन गए, आज खत्म हो गए। जब इसको फल पड़ा था तो लोग देखते थे बहुत खुश होते थे कि इतना फल इसको पहली बार लगा है, तो पर जो ये बारिश पड़ी आंधी तूफान की वजह से, जो ओले पड़े उसकी वजह से ये खराब हो गए सभी, पर लीची को नुकसान हुआ है, जो आम के ऊपर बचे हुए हैं, जो पेड़ों के ऊपर आम बचे हुए हैं उसके ऊपर भी नुकसान हुआ है। उसके ऊपर क्या नुकसान हुआ है? उसके ऊपर जो उसको निशान पड़ गया है उससे वो खराब दागी हो जाएगा, उसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ है। आम लोगों के बाग ज़्यादा से ज़्यादा खराब हो चुके हैं, जो ओले पड़ने की वजह से आम भी खराब हो चुका है और जो लीची थी उसको भी थोड़ा नुकसान हो चुका है। तो बेमौसम बारिश ने जिला रियासी की तहसील पौनी की किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है और पौनी के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। इन इलाकों के पीड़ित किसानों ने प्रशासन से उनकी फसल के नुकसान की भरपाई करने की मांग की है और पीड़ित किसानों ने प्रशासन से उनकी फसल के नुकसान का जायजा लेने और उनकी खराब हुई फसल का मुआवजा जल्द देने की भी, यहां आप देखिए किस तरह से मांगे विभाग से करते नजर आए, प्रशासन से करते नजर आए, क्योंकि किसानों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। झालाबारी हुई है तो उसके साथ बारिश, बेमौसमी बारिशें हुई हैं तो काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ है। ज़मींदार लोगों ने उम्मीद रखी होती है 6 महीने की कि हमारी फसल होगी तो हम आगे अब गुजर बसर करेंगे, वो उनकी उम्मीदें पूरी तरह से तबाह हो गई हैं। ये प्रशासन ने कोई ऐसी टीम अभी तक तो भेजी नहीं है कि जो गरीब लोगों का जायज़ा लें, इनकी फसलें वगैरह जो बर्बाद हुई हैं उनको देखें। मेरी LG प्रशासन और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से ये अपील है के वो मौका पर आए और इसका जो मुनासिब लोगों को रिलीफ है वो भी दिया जाए, क्योंकि ज़्यादा नुकसान हुआ सर। इंया है कि बरखा बुरखा बड़ी हुई है तो रैन भी पी है तो फसल पूरा तबाह है जी। और खास करिए अगर गल करते तो क्या प्रशासन का कोई अधिकारी इतने आया मौका दिखने वास्ते? सर अधिकारी तो कोई नहीं आया जी, ना कोई एग्रीकल्चर आया ना किसे आया जी। तो एडमिनिस्ट्रेशन अगर क्या अपील करगो? मैं सर एडमिनिस्ट्रेशन अगर इे अपील करना कि आनिया मौका देखा जा तो और गरीबों की मुआवजा देता जाए। तो ये जो बेवक्त की बारिशें हुई हैं ना, ये किस्म का खुदा की तरफ से कहर है जी। वैसे ये इन्होंने मतलब वक्त ही नहीं दिया किसानों को संभलने का, जो मतलब गंदम के जो जिनने मतलब थ्रेशिंग कराई है वो भी भीग गए हैं और उसके मतलब दाने जो हैं वो वैसे फंगस लग गई है उनको। उसके बाद दूसरी बड़ी चीज़ है भूसा, एक किसान के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है ये, क्योंकि 6-7 महीने का गुजारा मवेशियों के हिस्से से होता है, वो भी दरअसल भीग गया है। किसी किसी ने मंगवाया अगर तरपाल तो वैसे वो बाद में आया है तो उससे वैसे वो भी ख़राब हो गया है। तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ जी ये जी, बहुत एक किस्म की ट्रेजडी है किसानों के लिए। एक तो राशन जो मतलब दिया जाए किसानों को और इसके बाद उसको मुआवजा वगैरह दिया जाए, टीम भेजी जाए, मुआवजा वगैरह दिया जाए। कणक बिल्कुल ऐसे दारोमदार का हिस्सा है कि जरा 6 महीने वास्ते अस कमाइए खन्ने। क्या एग्रीकल्चर दी टीमां इत्थे जायजा लैने वास्ते आईयां? कोई टीम नहीं आई है जी। तो प्रशासन अगे की अपील करगे तुस? मैं गवर्नर साहब अगे मैं इहे अपील करना चाहना कि इहदा असीं मुआवजा दित्ता जा, जिहड़े साडा नुकसान होया असीं दारोमदार गए सर। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।